हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस लेस का इस्तेमाल करके गले का एक डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब इस गले का डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये चिपकने वाली बुकरम ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस बुकरम को हमें बीच में से फोल्ड करना है और गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई मैं 3.2 इंच ले रही हूँ, यानी कि 3.2 इंचेस, और इसकी लंबाई 7.5 यानी 7.5 इंच मैं ले रही हूँ। आप लंबाई और चौड़ाई जो है गले की अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हमें गला ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो इसके लिए इस लाइन से 1.2 इंच जो है ऊपर की तरफ मैं एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ से हम एक राउंड नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक वी शेप ड्रॉ करेंगे और ये एक छोटा सा कट हमने नीचे की तरफ बना दिया है। ये देखिए, हमारा ये गला ड्रॉ हो गया। अब हमें 1.5 इंच चौड़ा एक पैनल ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम निशान लगाएंगे डेढ़ डेढ़ इंच चौड़े, और इन निशानों को जो है एक सीधी लाइन से जोड़ेंगे। अब पैनल की लंबाई जो है मैं तकरीबन 9.5 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से निशान लगाएंगे और नीचे से पैनल की गोलाई करेंगे इस तरीके से। ये हमारा पैनल ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पर 1-1 इंच चौड़ा जो है फ्रेम ड्रॉ करेंगे और इन निशानों को भी एक लाइन से जोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक सर्कुलर शेप ड्रॉ करेंगे, हल्की सी कर्व बना देंगे इसे, और यहाँ पर भी हम एक कर्वी शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, गोलाई दे देंगे थोड़ी थोड़ी गले को। अब हम इसे कट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी इसे कट कर देंगे और ये हमारा गला कट गया है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा चिपकाएंगे। ये मैंने प्रेस की हेल्प से गला चिपका दिया है और अब इसके गोलाई वाले एरिया में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हम इसे इस तरीके से बाद में फोल्ड कर सकें इजीली। ये देखिए, दोनों साइड मैंने कट्स लगाए हैं और अब हम इसके सीधी वाली तरफ चौक से गले की शेप का निशान बनाएंगे ताकि जब हम इस पे गोटा लगाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। ये रफली मैंने चौक से जो है निशान ड्रॉ कर दिया है। अब हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, इस नोक को हम गाइडलाइन लेंगे और इस तरीके से एक शेप ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे। अब हम इस ट्रायंगल का जो है यहाँ से लंबाई मेजर करेंगे, जो कि 3 इंच है, तो 3 इंच ही हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक ट्रायंगुलर शेप जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ये हमने काजू की बर्फी जैसी एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब नीचे की तरफ मैं सीधी सीधी लाइंस लगा रही हूँ। इस तरीके से अब ऊपर की तरफ भी हमें थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हम गोटे लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बराबर बराबर दूरी में सीधी सीधी लाइंस जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइंस मैं नहीं ला रही हूँ यहाँ पे, पास पास ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों तरफ जो लाइंस हैं वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 8 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं एक साइड, तो दूसरी साइड भी आप 8 ही ड्रॉ कीजिएगा।
अब हम इन लाइंस के ऊपर जो हमने ड्रॉ करी थी ये गोटा लगाएंगे, ये सिंपल प्लेन गोटा है जो बाज़ार में इजीली मिल जाता है और आजकल ये बहुत ही फैशन में भी है। इसको लगाना बहुत इजी है लेकिन लगाने के बाद इसकी केयर करनी पड़ती है। आप इस पे डायरेक्ट गरम प्रेस नहीं लगा सकते, अगर आप इस पे डायरेक्ट प्रेस कर देते हैं तो ये गोटा जल जाता है क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है। और कोशिश कीजिए कि इसको मोटे बखिए से ही आप जोड़ें, बारीक बखिए से भी ये गोटा कट जाता है। बहुत ही सस्ते रेट में आपको ये बाज़ार में मिल जाता है, तकरीबन 1 या 2 रुपए मीटर। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी की सारी लाइंस को गोटे से कवर कर देंगे। जो भी लाइंस हमने चौक से ड्रॉ की थी वो सारी की सारी अब हम गोटे से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सफाई से इस गोटे को हम सारी की सारी लाइंस के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो सिल्वर कलर का गोटा या गोल्डन कलर का गोटा या फिर किसी भी कलर का गोटा लगा सकते हैं। मैं कॉपर कलर का गोटा लगा रही हूँ, बहुत ही कलर्स में अवेलेबल है ये गोटा बाज़ार में। ये देखिए, सारी की सारी लाइंस को हमने कवर कर लिया है, अब नीचे की तरफ भी हम इसे अटैच करेंगे। पूरा नीचे तक हमें अटैच नहीं करना क्योंकि नीचे जो हमने सीधी लाइंस ड्रॉ की हैं उनके ऊपर भी हमें गोटा अटैच करना है। सिर्फ यहीं तक अटैच करेंगे और यहाँ से वापस ले जाएंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा गोटा है उसे कट करेंगे और इसके ऊपर ही हम एक दूसरी लाइन लगा देंगे गोटे की। इस तरीके से सीधी सीधी जो है लाइंस में अटैच कर देंगे इनको। ये हमने सारा का सारा गोटा अटैच कर लिया है। अब हम ये कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, सारा का सारा कपड़ा बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से अंदर की तरफ दबाना है। और यहां से इसको एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। अब हम इस गले को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में रखेंगे, उल्टी तरफ, सीधी तरफ हमें नहीं रखना है इसको। और जैसे हम हर बार अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें उल्टी तरफ इसे अटैच करना है, बारीक बखिए से और बहुत ही सफाई से ये गला हमें बनाना है। अब इसके अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे इस तरीके से और छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। और अब पलट के अब हम इसको सीधी तरफ घुमा देंगे, पलट के इसको सीधी तरफ मोड़ देंगे। और अब गले के बीच में हम एक टॉप सिलाई लगाएंगे बिल्कुल मैचिंग धागे से। यहाँ पे बिल्कुल मैचिंग धागे से हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब ये गला हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब हमें इसके ऊपर मोतियों वाली लेस अटैच करनी है, तो उसके लिए ये देखिए, ये वाली लेस मैंने ली है, कॉपर कलर की मोतियों वाली लेस है क्योंकि हमारा गोटा भी कॉपर कलर का था तो ये लेस उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। इस लेस को लगाने के लिए मैंने ये प्रेशर फुट बदल के सिंगल प्रेशर फुट लगा लिया है और साथ ही मैंने ये कच्चा टांका लगाया है जो कि जो हमारी एजेस हैं
उनसे तकरीबन आधा आधा इंच की दूरी पे ही मैंने लगाया है, ताकि जब हम लेस लगाएं तो हमारा गला हिले नहीं। इस तरीके से अब लेस लगाने के लिए मैंने ये लेस, ये देखिए, ऊपर से दो तीन मोती इसके निकाल दिए हैं और ये जो धागा है इसको घुमा के अच्छे से लपेट दिया है इस लेस के साथ। अब हम इस लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। ये मैंने मोती इसलिए उतारे हैं क्योंकि जब हम ऊपर से कपड़ा दबाएंगे, शोल्डर्स पर से अटैच करेंगे, तो ये मोती अड़े ना। इतने मोती पहले ही निकाल देने चाहिए। अब ये लेस सिंगल प्रेशर फुट से हम लगा रहे हैं और जो कि बहुत ही आसानी से लग रही है, इसको हम हल्के हल्के दबाते जाएंगे। सिर्फ मोती विजिबल होने चाहिए बाहर की साइड, बाकी सारी की सारी लेस अंदर की तरफ दब जाएगी। इस तरीके से दबा देंगे। इस तरीके से ये देखिए, बहुत ही केयरफुली सिंगल फुट से हमें इसको लगाना है, और जितना केयरफुली हम इस लेस को लगाएंगे उतनी ही जो है सफाई आएगी हमारे गले में। ये देखिए, ये हमने लेस को अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ से भी हम तीन चार मोती निकाल के अलग कर देंगे और उसी तरीके से धागा लेस के चारों तरफ लपेटेंगे और इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। ये हमारी लेस लग गई है। अब हम इस गले का कच्चा उधेड़ देंगे, क्योंकि जो हमने कच्चा टांका किया था उसे उधेड़ देंगे। ये देखिए, हमारा ये गला बनके रेडी हो चुका है। मैंने इसके सेंटर में ये स्टोन्स लगाए हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं और चाहे तो कोई भी एक सिंगल बड़ा बटन या तीन छोटे बटन्स भी लगा सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।